दोस्तों, नैमिस में वैसे तो काफ़ी रहस्यमयी और प्राचीन मंदिर हैं, पर इसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो पूर्ण नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय और चमत्कारी भोलेनाथ बाबा के मंदिर के बारे में, जहाँ पे भोलेनाथ स्वयं प्रसाद देते हैं। तो आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप जा सकते हो, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आप तक सभी संपूर्ण जानकारी पहुँच सके। तो हम बात कर रहे हैं रुद्राव्रत के बारे में। रुद्राव्रत नैमिषारण्य में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में काफ़ी लोग नहीं भी जानते हैं, तो आपको पहले दर्शन कराते हैं। ये सामने आपको नंदी जी दिख रहे होंगे, यहीं पे सामने भोलेनाथ बाबा रुद्रा रूप में नीचे की ओर विराजमान है गोमती जी में। और मान्यता है कि आप जो भी इच्छा या मनोकामना प्रेम रूप से करते हो आपकी पूर्ण होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। क्या जल में आप फल डालोगे तो वो डूब जाएंगे कि तैर जाएंगे? और बेलपत्री आपने तो देखा ही होगा, तो जो भोलेनाथ बाबा को चढ़ती है वो आप जल में डालोगे तो डूब जाएगी या फिर तैर जाएगी? आपका जो पहला जवाब होगा कि फल जो होंगे वो डूब जाएंगे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर फल तैरते हैं। और बेलपत्री जो कि काफ़ी हल्की होती है, आपका जवाब होगा कि नहीं डूबेगी, पर यहाँ पे भोलेनाथ की कृपा से डूब जाती है। आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप तक सभी जानकारी पहुंच सके। और हाँ, एक और अपडेट है, अगर आप में से कोई सिख भक्त भोलेनाथ बाबा को कांवड़ चढ़ाना चाहता है तो उस पर भी आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी कि पहली बार कांवड़ कैसे उठाएं, कैसे चढ़ाई जाती है, सब कुछ आपको कमेंट में पिन दे देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कैसे आप जा सकते हो। आ जाइए नैमिस, और नैमिस के मेन गेट पर उतर जाइए। ये सामने की ओर देख सकते हो, आपको नैमिषारण्य का मेन गेट देखने को मिल रहा होगा। इसी से 5-10 कदम की दूरी पे आगे ये आपको रास्ता दिखेगी जो कि सीधा रुद्राव्रत की ओर जाती है। यहाँ से रुद्राव्रत की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। ये देखिए, यही रास्ता है। यहाँ से आपको इजली ऑटो रिक्शा मिल जाएगा जो कि करीब 20 से 30 रुपये लेगा। भाई ये बेकार आ रहे, यहाँ मैं आगे हो रहा ना, वहाँ बढ़िया रोड है। अरे रोड भी तो थोड़ी दिखानी चाहिए कि कैसी। वहीं से आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, उसके साथ साथ ठंडा मुड़ के आपको इधर जाना होगा। तो 15 मिनट स्कूटी से सफ़र करने के बाद में हम लोग आखिरकार पहुंच जाते हैं रुद्राव्रत महाकाल के दरबार पे। चलिए दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पे पहुँच के आप इस तरह से ये थाल भी ले सकते, पूजा थाल, जो कि आपको 20 रुपये में करीब मिल जाएगी। इसमें आपको 5 फल, 1 गुलाब का फूल, बेलपत्री, सब कुछ जो कि पूजा में यूज़ होता है, सब सामान मिल जाएगा। काफ़ी सारी दुकानें रहेंगी। तो पूजा की थाल लेके हम चल पड़ते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर है मेरा, महादेव का चमत्कार देखने। और
सारे छोड़ दियोगा। दोस्तों आपको बताते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। यह मंदिर पहले घने जंगल में था और यह मंदिर की खोज महान संत राम जी ने की थी, जिनको कि अपने शरीर छोड़ने का एहसास 3 महीने से पहले से ही हो चुका था। और यहाँ पे जो आप सामने मंदिर देख रहे हो, यहाँ पे जो शिवलिंग है अपने आप प्रकट हुई थी। तो दोस्तों फाइनली वो समय आ चुका था जब हम जाने वाले महादेव के दर्शन करने के लिए और महादेव के चमत्कार देखने के लिए। तो आज तक हम लोगों ने बड़े बुजुर्गों से तो सुना ही था और फाइनली आ रहे हम अपने आँखों से देखेंगे। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। आप भी चढ़ाइए। चढ़ गया है आपका? अपने मजे चढ़ा लो के पत्री चटनी है। इसलिए तो बरसाती हो गए, वो देखो चले गए तीनों के ऊपर। जो प्यार उठा लो, दोनों उठा लो, दोनों तो रुको। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से महादेव का चमत्कार, किस प्रकार से बेलपत्री जो थी महादेव के शरण में जा चली गई, और जो फल थे भोलेनाथ ने के ऊपर हम लोगों ने 5 फल चढ़ाए थे, जिसमें से भोलेनाथ ने 3 स्वीकार किए और 2 हमको प्रसाद के रूप में दिए। तो दोस्तों रुद्रव्रत महाकाल के दर्शन करने के बाद में हम लोग आ जाते हैं इस चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुई थी। शिवलिंग की पूजा करने के लिए आप अपने घर से मिश्री, दाल, चावल, गंगा जल आदि ला सकते हो, जो आप भोलेनाथ बाबा को चढ़ा सको। तो दोस्तों चमत्कारी शिवलिंग दर्शन करने के बाद में हम लोग जाते हैं नाग मंदिर, जो कि उसके जस्ट पास में ही है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप तक जो इस वीडियो नैमिषारण्य यात्रा के और पार्ट हैं आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए जय भोलेनाथ।